इस बीच कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है, पूजा हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ है कि लूट के नियत से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लूट की वजह से जो है ऐसा बताया जा रहा है, लूट के इरादे से पूजा की हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी प्रमोद सिंह ने हत्याकांड को अंजाम दिया। 6 महीने पहले नांता इलाके के जंगल में पूजा का शव मिला था। आपको बता दें कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने इसे यहां पर गिरफ्तार किया है। बहुचर्चित पूजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा है, लूट के इरादे से पूजा की हत्या यहाँ पर हुई थी। 6 महीने पहले इसका शव यहाँ पर मिला था, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ा खुलासा हुआ, बहुचर्चित पूजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुचर्चित पूजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, लूट के इरादे से पूजा की हत्या हुई थी। आरोपी प्रमोद सिंह ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। खुलासा ये हुआ है कि 6 महीने पहले ये जो बॉडी मिली थी उसमें लूट के इरादे से दरअसल पूजा की हत्या यहाँ पर की गई थी। के हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। के क्या खुलासा इसमें हुआ है और किस तरीके से अब चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, पूजा हत्याकांड था ये जो 6 महीने पुरानी घटना है, जिसके बाद लगातार कोटा पुलिस की टीम उस आरोपी को खुलासे में जुटी हुई थी। चूंकि ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन फिलहाल कोटा पुलिस को पूरे मामले में सफलता मिली है। आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जो प्रमोद सिंह था वो आर्थिक तंगी में था और आर्थिक तंगी के चलते ही उसने इस पूजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। पूजा एक साधुशुदा परिवार की महिला थी, धनाढ्य परिवार थी, इस बात को जानता था और इसी के बाद उसने प्रेम जाल में फंसाया और फंसाने के बाद पूजा को गहने और उसको पैसा लेकर उसने अपने साथ बुलवाया और कोटा से दूर जाकर कहीं आश्रम बनाने की बात मैं उस जाकर के और बुलवाया। इसी के बाद जब वो पूजा वहाँ पहुंचती है तो अपने सामान या धन और पैसा लेकर के नहीं पहुंचती है, तो इसी के बाद प्रमोद ने अपने मन में कहीं ना कहीं बात की प्लानिंग तैयार कर ली थी कि पूजा की हत्या कर देगा और इसी के तहत वो शंभूपुरा इलाके में कुल्हाड़ी इलाके में लेकर गया, वहाँ उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर है, एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। के लेंगे फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लूट के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी प्रमोद सिंह ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।